एक्चुअली काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे इस तरह के इमेजेस शेयर कर रहे थे और बोल रहे थे दीदी प्लीज़ इस तरह का टॉप बनाना सिखाओ, इस तरह का टॉप ट्यूटोरियल लेकर के आओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के टॉप को रेगुलर स्लीव्स टॉप बोलते हैं, जो जिनकी स्लीव्स यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली, इन्हें रेगुलर स्लीव्स कहा जाता है। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निलीशा। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इस तरह का रेगुलर स्लीव टॉप। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर, अगर चैनल पर नए हैं और मुझे देख रहे हैं पहली बार, तो मैं हूँ निलीशा, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ इसी तरह के काफ़ी सारे DIY, फैशन डिजाइनिंग, कटिंग एंड ड्राफ्टिंग। सो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के पड़ोस में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे जरूर हिट कर देना, इससे आप मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द फैब्रिक इसी के साथ हम बनाने वाले हैं रेगुलर स्लीव टॉप। सो रेगुलर स्लीव टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि कॉटन फैब्रिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। इसे डबल फोल्ड करने के बाद में एक फोल्ड और कर लेंगे तो हमारे पास फैब्रिक आ जाएगा 4 फोल्ड में। सो रिमेंबर, हमें इसे 4 फोल्ड अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग करना है, या जो भी आपका हाइएस्ट पार्ट हो। अगर आपका हाइएस्ट पार्ट बस्ट राउंड है तो आप इसे बस्ट राउंड के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसे 4 फोल्ड करने के बाद में जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है, ये वाला, इसे कट कर लेंगे। सो इसे कट करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे टॉप की लेंथ मेजर करना शुरू करेंगे। सो मुझे मेरे टॉप की लेंथ चाहिए 22 इंच, में इसमें प्लस 2 करूंगी सिम अलाउंस और फोल्डिंग के लिए तो आएगा 24। सो यहाँ पे मैंने इसे कट ही इस तरह से किया है कि ये 24 एग्जैक्ट आ रहा है। सो अब फैब्रिक के फोल्डेड साइड से, यानी ये वाले साइड से शोल्डर मेजर करना शुरू करेंगे। सो मैं इसे 14 शोल्डर के अकॉर्डिंग बनाने वाली हूँ। 14 का हाफ करेंगे तो आएगा 7। सो यहाँ से मैं अपने शोल्डर को 7 इंच पे मार्क कर लूँगी, देखो ऐसे। आर्म होल के लिए भी सेम मार्किंग करनी है, इस तरह से नीचे की तरफ 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों मार्किंग्स को स्केल से लाइन कर लेंगे। सो अब इस वाली लाइन पे बस राउंड के लिए मार्किंग करना शुरू करेंगे। सो मैं इसे 34 बस राउंड के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। 34 में प्लस 7 करेंगे सेम अलाउंस और फोल्डिंग के लिए तो आएगा 41। 41 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक 4 फोल्ड में है, तो आएगा 10.25। सो मैं यहाँ से इसे 10.25 इंच पे मार्क कर लूँगी, देखो ऐसे। अब हम शोल्डर के नीचे की तरफ आएंगे और वेस्ट राउंड के लिए मार्किंग करना शुरू करेंगे। सो शोल्डर से वेस्ट राउंड आएगा 14 इंच पे, सो यहाँ पे 14 इंच पे एक मार्क लगा लूँगी। और शोल्डर से हिप राउंड आता है 21 इंच पे, तो 21 इंच पे भी एक मार्किंग लगा लेंगे और इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को लाइन कर देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट राउंड के लिए मार्किंग करना शुरू करेंगे। सो मैं इसे 27 वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग बनाने वाली हूँ। अगेन 27 में 7 प्लस करेंगे सेम अलाउंस और फोल्डिंग के लिए तो आएगा 34। 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि फैब्रिक 4 फोल्ड में है, तो आएगा 8.5। सो मैं यहाँ से इसे 8.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ये होगी हमारे वेस्ट राउंड की मार्किंग। अब आते हैं हिप राउंड पे। सो मैं इसे 39 हिप राउंड के अकॉर्डिंग बनाने वाली हूँ। 39 में प्लस 7 करेंगे सीम अलाउंस और फोल्डिंग के लिए तो आएगा 46। 46 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि फैब्रिक 4 फोल्ड में है, तो आएगा 11.5। सो मैं यहाँ से अपना हिप राउंड 11.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्केल से लाइन मार्क कर लेंगे, देखो ऐसे। और यहाँ बीच में वेस्ट राउंड के यहाँ पे हल्का सा कर्व दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल के लिए मार्किंग करना शुरू करेंगे। आर्म होल के लिए बाहर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। पे मैं आर्म होल रूलर की हेल्प से आर्म होल क्रिएट कर रही हूँ, देखो इस तरह से। सो आर्म होल क्रिएट करने के बाद में नेक पे आते हैं। सो मैं अपने नेक की विड्थ रखने वाली हूँ 3.5 इंच। सो मैं यहाँ से इसे 3.5 इंच पे मार्क करने वाली हूँ। अगेन मेरी नेक लेंथ भी 3.5 इंच रहने वाली है, सो मैं नेक लेंथ के लिए 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक कर्व लाइन बना दूंगी, एक राउंड शेप बना दूंगी, देखो ऐसे। सो
सो ये थी कुछ बेसिक मार्किंग्स जो हम सिंपल टॉप के लिए, सिंपल कुर्तीज के लिए करते हैं। अब हमें रेगुलर स्लीव्स के लिए क्या नया करना है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नेक की विड्थ हमने रखी है, यहाँ से नेक की विड्थ से हम नीचे की तरफ आएंगे 2.5 इंच पे, या आप इसे मैक्सिमम 3 तक रख सकते हैं, इससे लंबा नहीं कर सकते। सो मैं ऐसे 2.5 इंच पे मार्क करने वाली हूँ यहाँ से, और एक पॉइंट बना लूँगी इस तरह से। अब इस 2.5 इंच वाले मार्क से जो आर्म होल के कॉर्नर पे मार्क जा रहा है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। देखो ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो रेगुलर स्लीव्स बनाने के लिए दो मेथड्स होती है, या तो हम स्ट्रेट लाइन मार्क करते हैं, या फिर इसी लाइन में हल्का सा कर्व देते हैं। हम लोग जो आर्म होल के लिए कर्व देते हैं ना, वैसा कर्व दिया जाता है। सो मैं इसे स्ट्रेट रखने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा कर्व दे करके भी बना सकते हैं। अब जो हमारे टॉप का ये वाला पार्ट है, ये होगा हमारी स्लीव्स का पार्ट। सो ये समझ लीजिए कि इसमें हमारी ऑलरेडी स्लीव्स क्रिएट हो चुकी है, बस हमें लेंथ मेज़र करनी है। तो जो भी आप स्लीव्स की लेंथ रखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे मैं लेंथ मेज़र कर रही हूँ अपनी स्लीव्स की, तो ये एग्जैक्ट 9 इंच आ रही है, और इतनी ही स्लीव्स मुझे चाहिए इस टॉप के लिए। सो मुझे इसमें बढ़ाने की या घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसे एज इट इज़ कट करने वाली हूँ। अब हम आते हैं टॉप के डाउन साइड में। सो यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे हो रहा है, इसे भी एक लाइन मार्क करके बराबर कर लेंगे। देखो ऐसे साइड में भी जो हल्की सी गैप छूट रही है, इसे भी प्रॉपर इस तरह से मार्क कर लेंगे, और अब इसे कट करना शुरू करेंगे। सो इसे कट करने के बाद में ये है हमारे टॉप की स्लीव। सो इसे अभी साइड कर देंगे और इसे ओपन कर लेंगे। देखो ये ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा इसके साइड और नेक। अब इसे पूरा ओपन कर लेते हैं। सो हमारे पास ये फैब्रिक दो लेयर में आएगा इस तरह से। चलिए अब स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं फिर से मेन फैब्रिक पे। सो यहाँ मैंने स्लीव्स के लिए इस तरह का नेट फैब्रिक लिया है, ये आधे मीटर से भी कम फैब्रिक में आपकी स्लीव्स का काम हो जाएगा। सो इस तरह की नेट है मेरे पास में, इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। इसे डबल फोल्ड करने के बाद में जो मैंने स्लीव्स कट की है बेसिक, उसे इस तरह से इसके ऊपर रख करके इसे ट्रेस कर लूँगी। सो रिमेंबर, यहाँ पे आपको कॉर्नर कॉर्नर पे हाफ ऑफ इंच का गैप छोड़ते हुए स्लीव्स कट करनी है। दूसरी वाली स्लीव्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो करके इसे कट कर लेंगे हाफ ऑफ इंच का गैप छोड़ते हुए। सो ये वाली कॉटन स्लीव्स को मैं एज अ पैटर्न अपने पास में रखने वाली हूँ। अभी इस टॉप में इन कॉटन स्लीव्स का कोई यूज नहीं है, तो अभी मैं इसे साइड कर दूंगी। सो इन नेट वाली स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके टॉप में यहाँ पे इस तरह से अटैच करना शुरू करेंगे दोनों साइड। इस कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिचिंग देते हुए इसे अटैच करना है, देखो ऐसे। साथ ही साथ हमें स्लीव्स के डाउन पार्ट का मेजरमेंट ले लेना है। सो यहाँ से मेरे स्लीव्स के डाउन पार्ट का मेजरमेंट आ रहा है 14 इंच। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग में कट किया हुआ फैब्रिक रखा है, उसे इस तरह से बिछाएंगे। यहाँ मेरे पास फैब्रिक की दो लेयर्स हैं। सो अभी जो हमने स्लीव्स के डाउन पार्ट का मेजरमेंट लिया है, जो कि 14 इंच आया है, सो 14 इंच में प्लस 10 इंच करेंगे गैदर्स बनाने के लिए, तो आएगा 24 इंच। तो 24 इंच लॉन्ग लेंथ का हमें इस तरह का फैब्रिक लेना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस फैब्रिक को इस तरह से बिछाते हुए स्मॉल स्मॉल गैदर्स बना लेने हैं, देखो ऐसे। और ये गैदर्स इस तरह से बनना चाहिए कि जब ये गैदर रेडी हो जाए, तो रेडी होने के बाद में इसका लेंथ 14 इंच आए। दूसरे वाले फैब्रिक पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करके गैदर्स क्रिएट कर लेना है। अब एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि हम लोग इसे कॉटन फैब्रिक के साथ में क्रिएट कर रहे हैं, तो स्लीव में वो वाला फॉल नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे कॉटन फैब्रिक के बजाय इसे वेलवेट के साथ में बनाने वाली हूँ। सो दो पीसेस मैंने कट कर लिए हैं वेलवेट के, और इनके गैदर्स भी बना लिए हैं एज यू कैन सी।
अगर आप नेट की बेल स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस नेट की बेल स्लीव्स के साथ में भी फॉलो कर सकते हैं। सो अब इन गैदर्स वाले फैब्रिक को इस तरह से हमारे स्लीव राउंड में अटैच करना है हमको। सो इस तरह से हम हमारे स्लीव राउंड में पहले ही अटैच करना शुरू कर देंगे, देखो ऐसे। तो दूसरी वाली स्लीव में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, रॉन्ग रॉन्ग साइड पे इस तरह से अटैच करके और सीधी साइड में ओपन कर लेना है। स्लीव अटैच करने के साथ साथ इसका नेक भी फिनिश कर लेंगे। बयास स्ट्रिप के साथ में आप नेक फिनिश कर सकते हैं या जो भी मेथड आपको इजी लगती है नेक फिनिश करने की वो यूज़ कर सकते हैं। देखो ऐसे, यहाँ मैंने नेक फिनिश कर लिया है। नेक फिनिश होने के बाद में कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब इसे इस तरह से अपोजिट साइड में फोल्ड कर लेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद में जो इसके साइड हैं स्लीव्स के साथ में, इसके साइड स्टिच करना शुरू करेंगे। और साइड स्टिच करने के साथ साथ इसका बॉटम भी हैम कर लेंगे अंदर की तरफ, देखो ऐसे। एंड दैट्स इट, हमारा रेगुलर स्लीव टॉप रेडी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।